हाय, वेलकम फ्रेंड, आप सबको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चैनल पर वेलकम है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा चैनल को देख रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपका राइट साइड में बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जो आगे आने वाला कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आपको जानकारी मिले। आज हमारा टॉपिक है सिग्नल टू नॉइस रेशियो, SNR। SNR के बारे में जानकारी लेने के लिए दो फैक्टर का ऊपर जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। एक है सिग्नल, दूसरा है नॉइस। सिग्नल है कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसमिट करते हैं। वो जो सिग्नल है वो डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है नॉइस। नॉइस क्या है? जो अनवांटेड सिग्नल है, जो हमें ज़रूरत नहीं है, दिस इज नोन एज नॉइस। तो इसे फ्रेंड हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, सिग्नल है जो हमें ज़रूरत है, नॉइस है जो हमें ज़रूरत नहीं है। अभी जो सिग्नल टू नॉइस रेशियो, मतलब एक कंपैरिजन है, जो सिग्नल है जो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसका साथ एक सिग्नल है जो हमें नहीं चाहिए, दोनों चीज़ का रेशियो है। तो इसका डेफिनेशन अगर हम लोग दें तो देखेंगे, सिग्नल टू नॉइस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ सिग्नल पावर टू नॉइस पावर। अभी इसको अगर मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो देखिए, सिग्नल पावर, तो हमें पता है कोई भी सिग्नल का पावर होता है अगर उसका एम्पलीट्यूड, सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए है, भी है, तो उसका पावर होता है भी स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे आर है उस सिस्टम का इम्पीडेंस। और तो यही पे एज इट इज सिग्नल का पावर होगा भी एस स्क्वायर बाय आर। भी एस है जहाँ पे सिग्नल का एम्पलीट्यूड है। और सेकंड इम्पॉर्टेंट पावर है नॉइस का पावर। नॉइस का पावर पी एन इक्वल टू भी एन स्क्वायर बाय आर, जहाँ पे भी एन हो रहा है आपका नॉइस का एम्पलीट्यूड। अभी अगर हम लोगों ने एस एन आर फैक्टर को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो होता है 10 लॉग सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर। अभी इस सिग्नल पावर और नॉइस पावर को अगर हम लोग फार्मूला में पुट करें तो मिलता है 10 लॉग पी एस बाई पी एन। इसका यूनिट होता है डीबी। डीबी का फुल फॉर्म है डेसिबल, एक यूनिट है जो पावर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी देखिए, कोई भी एक सिग्नल मान लीजिए ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है, एक नॉइस का रिप्रेजेंट ऐसे कर सकता है। तो अगर सिग्नल और नॉइस का इफेक्ट में जो एक फाइनल सिग्नल कोई भी सिस्टम में हमें मिलेगा वो इस टाइप का होगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे जो सिग्नल का कुछ फॉर्म नहीं तो शेप चेंज हो रहा है। ये किस लिए चेंज हो रहा है? ये नॉइस का इफेक्ट का वजह से। तो अगर SNR का इम्पोर्टेंस हम लोग कम्युनिकेशन सिस्टम में एनालिसिस करने का कोशिश करें तो हमें ये चीज़ पता होना ज़रूरी है, कोई भी कम्युनिकेशन सिस्टम में SNR हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। SNR मतलब क्या है? सिग्नल का पावर बाय नॉइस का पावर। ये देखिए पी एस सिग्नल पावर बाय नॉइस पावर। तो जब हमें पी एस ग्रेटर देन पी एन होगा तभी हमें अच्छा क्वालिटी का कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ओके फ्रेंड, थैंक यू। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो पक्का एक लाइक दीजिएगा। थैंक यू।